हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल माय रसोई में। चलिए आज बनाते हैं हम स्प्रिंग रोल, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अंदर से भी मैं दिखाती हूँ। दिख रहे हैं ना, अंदर से भी लाजवाब। तो चलिए बनाते हैं। चलिए तो पहले एक कटोरी मैदा लेते हैं, थोड़ा सा नमक। अब इसका अच्छा एक डो बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा लेंगे ताकि हमारा डो गीला ना हो, और इसे अच्छे से ही गूंथना है। इस तरह से डो हमारा रेडी हो गया। अब इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। अब एक पैन में हम लगभग 2 चम्मच तेल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, इसे मैंने कद्दूकस कर ली है, और 2 मिर्च, इसे भी कद्दूकस कर ली है। अब इसे अच्छे से हम पकाएंगे। अब डालेंगे यहाँ पर हम गाजर, बारीक लंबा काट ली है। ये हमारे स्टफिंग के लिए है, स्प्रिंग रोल के लिए। डालेंगे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, इसे भी मैंने बारीक और लंबा लंबा काट ली है। याद रहे हमें सब्जी को पकाना नहीं है, बस हल्का सा ही सॉफ्ट करना है। इसे हम तेज आंच में ही पकाएंगे। नमक डालेंगे, पिज्जा सॉस, टमाटर सॉस, अगर आपके पास सोया सॉस है तो उसे भी थोड़ा सा, आधा ढक्कन सोया सॉस डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, विनेगर लास्ट में डालना है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारा बनके हो गया रेडी। इसको हम ठंडा करने देंगे थोड़ा देर। अब चलिए, आटा हमारा अच्छे से पीक गया है, थोड़ा सा और हल्के से हाथ में हम सॉफ्ट कर लेंगे। और 1 चम्मच मैंने यहाँ मैदा ली है, इसका बेटर बनाएंगे, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। इस तरह से तोड़ लेते हैं हम। अब इसको थोड़े से आटा लेके बेलते जाएंगे, पतला पतला रोटियां। अब सबसे जरूरी चीज है, इसमें हम लगाएंगे तेल। हल्का सा मैदा डाल के अच्छे से फैला लेंगे। इसके ऊपर फिर एक रोटी ले लेंगे, उसके बाद फिर से तेल लगा के मैदा फैलाएंगे, फिर से एक रोटी ले लेंगे। अब इसे भी अच्छे से हम पतला बेल लेंगे। अब हम तवा गरम करेंगे। तवा थोड़ा ही गरम करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, और जो रोटी बेले हैं उसको डालेंगे। और सेकना नहीं है, हल्का सा कलर चेंज होते तक ही हमें तवा में रखना है। याद रखिए स्पॉट ना आए इसमें। हो गया, अब देखिए कैसे निकलता है पूरा, एक एक परत करके हमारी रोटियां निकल जाएगी। देखो कितना पतला और बढ़िया बना। इसी तरह बाकी की रोटियों को भी हम बनाएंगे।
डालना है और जो बैटर बनाए हैं हम उसको किनारे किनारे उसको हम लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। साइड साइड से हम फोल्ड कर लेंगे। आराम से हम रोल करते जाएंगे। इस तरह से बनाना है रोल हमें। साइड साइड में लगाएंगे, हाथों से अच्छे से फैला लेंगे। अब फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो आप ऐसे कॉर्नर भी बना सकते हैं और इसे रोल करते जाएंगे और अच्छे से दबा लेंगे और साइड साइड को भी। इस तरह से सारे रोल में रेडी कर लेना है। चलिए आप एक पैन में तेल गरम करते हैं और एक एक करके स्प्रिंग रोल को हमें डालना है। याद रहे इतने ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो स्प्रिंग रोल फूलने लग जाएगा। और इसे हमें अच्छे से मीडियम आंच में फ्राई करना है। सबको सेक लेंगे। देखिए मस्त क्रंची बना है और अंदर से भी लाजवाब दिख रहा है।